ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और अंदाजा नहीं हो रहा था रास्ते का। जो पिछला ब्रेक है वो सही से लग नहीं रहा है, उसका प्रेशर ख़त्म हो चुका है। और ऊपर से इसमें यूटर्न है, यूटर्न मारो इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, आप सोचिए किस तरह से देख लेते। मैं नीचे मंडे डाला, मैंने सोचा ऐसे ही होगा, अरे थोड़ा सा तो डे फोर हम निकल गए हैं एक नई लोकेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कल्पेश्वर है, कल्पेश्वर से जिस रास्ते को हम रात में गए थे वो रास्ता बहुत ही भयंकर था, लेकिन फाइनली हमने वो क्रॉस कर लिया और हम चल पड़े हैं बद्रीनाथ की ओर। और रास्ते में हमें दिखा एक वाटरफॉल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए। बद्रीनाथ जाते हुए हमें रास्ते में मिल गया नरसिंह मंदिर, जो कि जोशीमठ में पड़ता है, और अब हम उसी में जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, पहले इस तरीके से कुछ सीढ़ियां उतर के जाना पड़ते हैं, बड़ी गहरी गहरी सीढ़ियां हैं। ये दूधपुड़ी है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इस ट्रिप में ज़्यादातर हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि मंदिर हमें खुद बुला रहे हैं। आधे मंदिर तो हमारी चेकलिस्ट में थे नहीं, उन्होंने हमें खुद बुलाया अपने पास कि आइए दर्शन कीजिए। क्यों दूधपुड़ी, जब यहाँ तक आए तो यहाँ भी जाएं। एक्सपेक्टेशन से बड़ा है ना, इतना सोचा नहीं था जितना बड़ा इसका। सोच से ज्यादा बड़ा निकल गया ना। काफ़ी बड़ी जगह पे ये बनाया गया मंदिर, मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है। ये देखिए नक्काशी, बिल्कुल पुराने ज़माने वाली। बद्रीनाथ का भी यही कुछ लुक आता है, ऊखीमठ का भी यही कुछ लुक आता है। ओहो काफ़ी बड़े एरिया पे से बनाया गया है, और इसकी कलाकारी बिल्कुल जैसे पत्थर ये रख रख के बिल्कुल पुराना वाला रूप दिया गया है। इधर पूरा नीचे खाई है, और ये बगल में पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी। ये जो सामने वाला पहाड़ है ये देखिए, ये नाक, ये सर, ये मुंह, इसे बोलते हैं स्लीपिंग ब्यूटी। ये ऐसे बोलते हैं हाथी पर्वत। तो ये मंदिर ने हमें बुलाया और हम यहाँ पहुँच गए। प्लान तो अभी हमारा बद्रीनाथ जाने का है, बीच में इन लोगों ने कहा कि नरसिंह महादेव मंदिर है यहाँ पे, हो आते हैं, तो हम आ गए। तो जब आए गए तो हमने सोचा देख लेते हैं, आपको भी दिखा देंगे कैसा है क्या है। बाकी मैं चलता हूँ आगे बद्रीनाथ। तो मुझे अभी रास्ते में प्रयाग धाम दिख गया, विष्णु प्रयाग धाम। यहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
समय मैं हूँ विष्णु प्रयाग धाम में और आप मेरे पीछे अलकनंदा अलकनंदा और उस तरफ है धौली गंगा, यहाँ पे होता है संगम इनका। तो फाइनली बद्रीनाथ हम पहुँच चुके हैं। तो कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे बद्रीनाथ की ओर। रास्ते में कोई झरना दिखा, टेम्पल दिखा, हर जगह हम आराम से रुके, पूरे दर्शन किए, उस व्यू के मजे लिए और अब फाइनली हम पहुंच गए बद्रीनाथ। अब बस हमें बद्रीनाथ के दर्शन हो जाए। बद्रीनाथ को वैकुंठ धाम भी कहते हैं, तो वैकुंठ धाम तक तो हम आ गए लेकिन बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा था, ऊपर से नंबर लगा हुआ था और नंबर आना बहुत मुश्किल था और हम अपने ट्रिप में पहले ही लेट चल रहे थे, तो हमें इस समय निकलना था माणा।